न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बैरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राठ का मान। निवेदक संतोष यादव प्रधान नीम राणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2 कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन एससी एसटी एनटी एससी एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी जीपीएस स्कूल में। तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जहां अब आपको मिलेगी आरआईएमसी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव प्रिंसिपल योगेश शर्मा नारनौल रोड भगवाड़ी बहरोड। नमस्कार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड जिला अस्पताल में एक शर्मसार करतूत इस कदर सामने आई कि देखने वाला प्रत्येक इंसान इस घटना को देखकर दंग रह गया। सोच इतनी घटिया कि करने वाला तो दूर की बात देखने वाले लोग भी शर्मा गए। शर्म को इस कदर बेशर्म किया कि लोगों के मुंह में एक ही शब्द निकला कि कौन था वो नालायक। अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। पूरा मामला बहरोड जिला अस्पताल का है जहां पर हाल ही में विधायक बलजीत यादव द्वारा राजस्थान सरकार से बजट पास करवाकर मरीजों की सुविधा के लिए सोफे मुहैया करवा रखे थे जिन पर मरीज आराम करते थे। एक सरफिरे युवक ने लगभग 10 से 15 सोफों पर नुकीली ब्लेड से कट मारकर उन्हें फाड़ दिया। सोफे फटने से उनकी रुई भी बाहर आ गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर सतवीर यादव ने बहरोड थाने में मामला दर्ज करवाया है कि जिस किसी ने भी यह हरकत की वह बचना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि एक तरफ सरकार लोगों को सुविधा मुहैया करवाने में दिन रात प्रयासरत है तो दूसरी तरफ समाज में इस तरह के समाज कंटक लोग अपनी घटिया सोच का परिचय देने से चूक नहीं रहे। ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के कारण आमजन को न केवल परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि उनको वह सुविधाएं भी नहीं मिल पाती जो उनके जीवन में आवश्यक है। सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह से नुकसान करना न केवल गैरकानूनी है बल्कि एक घटिया मानसिकता का परिचय भी दर्शाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द पता लगाया जाएगा कि सोच को शर्मसार करने वाली घटिया घटना को अंजाम देने वाला युवक कौन था। ब्यूरो रिपोर्ट आप तक नेटवर्क। मामला था सर, सुबह जैसे ही हम आए सफाई करवा रहे थे तो सोफों पे चीरे लगे हुए मिले ब्लेड से किसी अनजान व्यक्ति ने और ब्लेड भी वहीं पड़ी थी। करीब 10 या 11 सोफों के इनके ब्लेड से चीरा लगा लगा के और इनको उनके अंदर का जो भी रुई वगैरह थी वो बाहर निकाल दी और सब बहुत गलत काम कर दिया। FIR हमने करवा दी सर। अनजान व्यक्ति हमने व्यक्ति देखा नहीं पर इसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए सर। और ये गलत काम किया पब्लिक के लिए समाज सेवा के लिए बढ़िया सोफे थे आराम से बैठते थे उनको नष्ट करने की कोशिश करी गई। हमने FIR करवा दी है और उनके प्रति पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेडीज एंड जेंट्स सैलून अब आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी से फेशियल जिससे आपका फेस होगा आकर्षक दिखेंगे कुछ खास साथ ही स्किन का बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाता है। वहीं सैलून में बेहतरीन अनुभवी कारीगरों द्वारा हेयर स्टाइल कटिंग वहीं मेकअप में नाज मिलानी टास सहित 4EVER 52 के ब्रांड्स उपलब्ध। इतना ही नहीं हमारे यहाँ पर तोल के हिसाब से जार्जेंट रायन कॉटन खादी सिल्क सहित लेडीज एंड जेंट्स के बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े उपलब्ध। प्रोप्राइटर मोनिका चोपड़ा पुराना बस स्टैंड माचल मार्केट बहरोड। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड जहाँ हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।